His music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "fuck you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about. हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुनो अपने हाल चाल। स्वागत है आप लोग का नए ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 5:50 और साइकिल मेरी रेडी है और आज मैं जा रहा हूँ अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे। ओके, यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जब मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ तो मैं उन रास्तों पर जाता हूँ जो मुझे पता होते हैं। और कल रात को मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि जो आसपास के गांव हैं जो मैंने सिर्फ गूगल मैप पे देखे उनके पास आसपास मैं कभी गया नहीं हूँ, क्यों ना वहाँ उन रास्तों से जाया जाए, पतले पतले रास्तों से, ताकि नई नई जगह दिखें और मन लगा रहे भाई से साइकिल चलाने में भी। तो ये मैंने डिसाइड किया है। ओके, और अभी बस चलते हैं क्योंकि यार काफ़ी लेट हो गया, बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है। मैं अलार्म तो मैंने 5 का लगाया था, मुझे लगा था 15-20 मिनट निकल जाऊँगा, लेकिन कुछ काम करते 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 अभी 6 बजने को हो गए, तो जल्दी चलते हैं और बाकी बातें अपन करेंगे साइकिल पर। टोटल 9 किलोमीटर हो चुके हैं अभी मेरे घर से अभी तक, एंड कोई थकान नहीं है, कोई कुछ नहीं, आराम से चल रहा हूँ विदाउट एनी इशू। ओके, और भाई धूप जो है पूरी ऊपर आ चुकी है बढ़िया तरीके से, एंड अच्छा माहौल बना हुआ है अभी तक तो। और ये जो जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ इसमें मैं पहले भी आया हूँ काफ़ी बार, तो इस रोड से मैं फैमिलियर हूँ। जो इसके बाद जो नेक्स्ट 2-3 गांव आएंगे उनसे भी फैमिलियर हूँ। उसके बाद जब मैं लेफ्ट लूँगा वापस घर आने के लिए, मतलब काइंड ऑफ यू टर्न, तब मैं एक दूसरे रास्ते से आऊँगा, उस पर मैं कभी नहीं गया, उस रास्ते के ऊपर जो गांव वगैरह उनके नाम भी मैंने पहली बार पढ़े हैं। सो यस, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा आई गेस। देखेंगे रोड कंडीशन कैसी होंगी, ख़राब भी हो सकती है बहुत ज़्यादा और ठीक भी हो सकती है जैसी इस वाले रोड की कंडीशन है। एक चीज़ और मेरे को यह करनी है कि मैंने कहा था कि आई विल बी रेगुलर विद माई ब्लॉग्स, बट पिछले 2 या 3 दिन शायद मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। उसका रीज़न ये था कि ये व्लॉग मैंने बहुत थोड़ा सा किया और उसको फिर बाद में मैंने एडिट भी नहीं किया। एज यू गाइस नो मेरी जूरी चल रही थी, तो यार उस चक्कर में ध्यान डाइवर्ट होता व्लॉग बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में। सो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैंने 2 दिन नहीं अपलोड किया कुछ भी, क्योंकि ये था कि यार जूरी इज़ लाइक फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें हमारा एक वाइवा भी हुआ था तो उसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी था। सो वही है कि चीज़ें फिर ख़राब हो जाती भाई जो मेरे को नहीं करनी थी, बट यस। और सुबह उठना भी बहुत चैलेंजिंग हो रहा था पिछले 2-3 दिन। मैं जो भी उठाऊँ, मैं सुबह 6 बजे उठाऊँ, अलार्म भले ही मैंने 4 बजे का भरा, लेकिन यार स्टिल उठा नहीं गया। आज हिम्मत करके मैं 5 बजे उठाऊँ मैं, और वो टाइम धीरे धीरे चेंज हो गया कि अभी टाइमिंग्स का कुछ आइडिया नहीं था कि कभी रात को शूट हो रहे हैं कभी दिन में शूट हो रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं रहता था। स्लीप साइकिल पूरी ख़राब हो रखी है ना, तो उस चीज़ में मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। सो यस, अभी तो चलो कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ें जो मेंटेन हो रही हैं, एंड आने जाने वाले सभी लोग जज कर रहे हैं कि ये आदमी फ़ोन में देख के बात बात कर रहा है और सब ऐसे देख रहे हो। अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ इसकी खासियत यह है कि उधर कोई धूप निकली है और इस पूरे सड़क पे कहीं भी धूप नहीं है। और जब मॉनसून का टाइम आता है तो उस टाइम पे तो पूरा रोड ऐसा पेड़ों से ऐसे गिर जाता है, और भाई यहाँ पर जो मज़ा आता है ना इस रोड पे, मतलब मैं पहली बार साइकिल से आ रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर मैं कार वार से आया हूँ, और कभी भी आया हूँ तो हमेशा मैंने स्टोरी लगाई है अगर आप इंस्टा पर कभी देखा हुआ भूले बैठ के। सो ये चीज़ बड़ी सही लगती है मुझे इस प्रॉपर रोड की। ये जो रोड है ये एक्चुअली यहाँ से गांव आके भैंसवाल नाम उस जगह का, तो ये वहाँ जाता है और फिर आगे ये मर्ज हो जाता है एक गोहाना सोनीपत के एक काइंड ऑफ स्टेट हाईवे पे। ठीक है, अभी मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना 56 किलोमीटर साइकिल चलाई जाए।
नाइस। ये देखो यार पूरा शेड होगा, इतना ठंडा ठंडा मस्त लग रहा है। तो भैया प्रॉपर एक घंटा हो चुका है मुझे घर से निकले हुए, अभी टाइम हो रहा है 6:53 और मैं निकला था 5:53 पे घर से, और अभी तक टोटल हो चुका है 24 किलोमीटर्स। तो काइंड ऑफ ये लगा लीजिए कि हाँ एक घंटे में 24 किलोमीटर निकाल दिए, ये एवरेज स्पीड है काइंड ऑफ, क्योंकि बीच में गांव वगैरह भी आते हैं, वहाँ पे स्लो होना पड़ रहा था काफ़ी, कि बीच में मैंने 3 गांव क्रॉस किए थे, तो ये हो सकता है कि हाँ मेरी स्पीड कहीं ना कहीं 25 से ज़्यादा ही थी। सो यस मज़ा आ रहा है भाई। हाँ अभी ये आगे और 6 किलोमीटर जाके अपने उस वाले पे जो मेन स्टेट हाईवे, हाँ नेशनल हाईवे अपना रोहतक से पानीपत वाला, उस पर ये वाला हाईवे मर्ज हो जाएगा, फिर वहाँ से तो आपको रास्ता बताइए, मतलब देखा ही होगा वाला रास्ता। तो ये अभी उस रास्ते में जहाँ पे ब्लू ब्लू बिल्डिंग आपको दिखने का है, वहाँ से ये हाईवे कनेक्ट हो गया है इस अपने बड़े हाईवे पे, और यहाँ से इस हाईवे से अगर आप सीधा सीधा जाओगे तो आप पानीपत पहुँच जाओगे, और फिर आगे अपना करनाल कुरुक्षेत्र वाला रूट जो है। तो भाई यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से मेरा घर है आई गेस 26-27 किलोमीटर ऐसा कुछ है। ओके तो सही है भाई, बाकी बस एक बात ये थी वाला रास्ता था वो पूरा गांव वाला रास्ता था, तो उसमें खड्डे वड्डे और ये सब आ रहे थे, लेकिन अब ये है कि ये पूरा फ्लैट है आगे तक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें मस्त जाएंगे। अभी प्यास लग रही है क्योंकि अभी जो है वो तकरीबन आई गेस 29 किलोमीटर तो हो चुके हैं, आराम से चेक करना पड़ेगा मुझे, अभी तक पानी नहीं पिया, तो बीच में पानी पीने कोई जगह आएगी या फिर कोई जूस वाला दिख गया तो जूस पी लेंगे। ओके तो भैया अभी तक टोटल हो चुके हैं 42 किलोमीटर्स, और मैंने कभी भी अपनी साइकिल एक मतलब वन गो में 25 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलाई, और आज वन गो में भाई चला दी मैंने 42 किलोमीटर्स विदाउट ब्रेक, मतलब बीच में बस एक ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए, बीच में पेट्रोल पम्प आया था सिर्फ वहाँ पे, और अभी मैं एक छाया में एक जगह देखी है थोड़ी सी, वहाँ उतर के थोड़ी देर वहाँ बैठूँगा, क्योंकि पैर जो है भाई बहुत बुरे दर्द कर रहे हैं, क्यों एक तो आदत नहीं है, ऊपर से कभी इतना लंबा चलाया नहीं है मैंने। ओके सो यस ये चैलेंज था जो कि लिया है, और चैलेंज लिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी देर बैठता हूँ क्योंकि भैया पैर बिल्कुल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऐसे हो रहे हैं ना कि मतलब जैसे काइंड ऑफ जैसे दिल है वैसा, तो भाई थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जाएंगे। और अभी यहाँ से जो मेरा घर है टोटल 14 किलोमीटर्स बचा है, तो 42 ये और आपका 14 किलोमीटर वो हो जाएगा, तो टोटल 56 किलोमीटर कवर हो जाएंगे आज। सो यस ये अपने आप में अचीवमेंट रहेगी भाई मेरे लिए फर्स्ट टाइम। ओके सो यस बैठते हैं थोड़ी देर फिर चलते हैं। अभी मेरा घर यहाँ से 6 किलोमीटर बचा हुआ है, और अभी ये मेरा दूसरा मेजर ब्रेक है, क्योंकि भैया पैर अब बहुत बुरे तरीके से दर्द कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, और अभी जो ये लोकेशन पर मैं बैठा हूँ भाई ये बहुत सही है, यहाँ पर चारों तरफ तो एक तो बर्ड की आवाज़ आ रही है, और भाई यहाँ पर अपनी साइकिल खड़ी है मस्त, और ये रोड है मतलब टूटा फूटा काइंड ऑफ ना, ठीक भी है टूटा फूटा भी है, तो उसमें झटके लग रहे बार 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 बार, तो भैया बम भी दर्द कर रही है अपनी। सो यस 5 मिनट और यहाँ बैठता हूँ, सही लग रहा है, और फिर 6 किलोमीटर आगे चलाए घर पहुँच जाएंगे, ब्रेकफास्ट बनाऊँगा खाऊँगा, और फिर देखते हैं आगे की गतिविधि हम क्या रखते हैं आज। बाकी सही है यार, बहुत सही हवा चल रही है, गर्मी लग रही है, और जो पसीना आ रखा है उससे जब हवा टकरा रही है तो थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और मस्त। सो फाइनली 56 किलोमीटर्स पूरे हुए, घर पहुँच गया, अब जाके जान में जान आई है, अब जाके सांस में सांस आई है, कुछ भी कह सकते हो भाई। अब भाई मस्त नहा धो के क्या मज़ा आने वाला है, मतलब वाह खाना वाना खाऊंगा।
ओके तो टाइम हो गया है, रात के 9 बज गए हैं एग्जैक्ट, और ये बहुत बड़ा जंप कट है। मतलब मैं साइकिल चला के आया और अब तुरंत मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आया भैया साइकिल चला के, पैर बहुत बुरे दर्द करते, तो क्या हुआ मैं अपना अंदर आया और ऐसे ही कपड़े निकाल के मैं फ़र्श पे लेट गया, मतलब क्योंकि पसीने में भरे हुए सारे कपड़े। सो पता नहीं यार कब फर्श पे लेटे लेटे मुझे नींद आ गई और मैं एक घंटा मतलब ऐसा मार्बल पे सो गया और भाई खतरनाक मतलब नींद लग गई भाई। उसके बाद मैं उठा और अपना खाना वाना बनाया खाया, और उसके बाद में सचिन आया था मेरे पास, सचिन को क्योंकि एडिटिंग सीखनी है, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहा है व्लॉग वगैरह बनाने के लिए, सो उसका एडिटिंग सिखानी, तो वो आया था। और प्लान ये था कि आज वो रात को रुकता है, लेकिन उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया तो वो वापस अब कल सुबह आएगा। ओके सो शाम तक वो था मेरे साथ में, और फिर उसके बाद अभी मैंने एक फिल्म देखी और अब जाके वो ख़त्म हुई है, सो अभी मेरा सोने का प्लान है। सो यस इतना ही हुआ। ओके सो यस एक ये व्लॉग था जो यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और आज भाई बहुत मस्त नींद आने वाली है। ओके सो यस गुड नाइट, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद, बाय बाय।